आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 15वीं वाहिनी पीएससी आगरा ने पश्चिमी जोन 25वीं अंतरवाहिनी हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल मुकाबले में 24 वाहिनी पीएससी मुरादाबाद को 2-0 के अंतर से मात दी। आगरा लौटी विजयी टीम को सेनानायक नरेंद्र कुमार ने प्रशस्ति पत्र और मेडल लेकर सम्मानित किया। इस बार पश्चिमी जोन अंतरवाहिनी पीएससी हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी मुरादाबाद को मिली थी। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 15वीं वाहिनी पीएससी आगरा और 24वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद के बीच खेला गया। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेले गए इस फाइनल मैच में आगरा की टीम ने परंपरागत भारतीय शैली की स्किल और यूरोपीय शैली की आक्रामकता का प्रयोग करते हुए मुरादाबाद की टीम को 2-0 के अंतर से पराजित कर दिया। 15वीं वाहिनी पीएससी आगरा की टीम ने 2रे और 3रे क्वार्टर में 1-1 गोल किया। आगरा की टीम ने रक्षण और आक्रामकता का अनूठा प्रदर्शन कर मुरादाबाद गोल पोस्ट पर कई हमले किए। इसके साथ ही मुरादाबाद की टीम के सभी हमलों को नाकाम कर अपने गोल पोस्ट का बचाव भी किया। आगरा की टीम की ओर से चालक लक्ष्मी नारायण ने बेहतरीन खेल दिखाया। इस फाइनल मैच के बाद समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि एडीजी पीटीसी रवि जोसेफ लोकू ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। आगरा की विजयी टीम को ट्रॉफी दी गयी। एडीजी पीटीसी ने इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 24वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद के कमांडेंट अतुल शर्मा और उनकी टीम को बधाई दी। इस समारोह में डीआईजी शलम माथुर के साथ पुलिस और पीएससी के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विजयी टीम के आगरा लौटने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सेना नायक नरेंद्र कुमार ने सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।